You say I make you nervous, a tragedy. I'm a beautiful disaster, a reckoning. You wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वलीमा मेकअप, मतलब कि रिसेप्शन मेकअप लुक। यस गाइस, अगर आपकी हुई है अभी भी शादी और आपको जाना है किसी के शादी में एज अ वेडिंग गेस्ट, तो आप ऐसा लुक कुछ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूली मैरिड तो इतना मेकअप कर ही सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आप लोग को ये लुक अच्छा लग रहा हो। ये बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी और ग्लोई मेकअप लुक है, और आप देख सकते हो कितना अच्छा मैंने लुक क्रिएट किया है। बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ मैंने ये किया है, और जो प्रोडक्ट है सब कुछ अफोर्डेबल है, अच्छा है। तो चलिए देख लेते हैं आज का ये लुक। यहाँ पे अपनी आईब्रो को फिल कर लिया था, और अभी मैंने यहाँ पे लिए NYP का ब्लिंकिंग आई शेडो पैलेट, और जो मेरा शेड है वो है सिटी हॉल। और सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये गाइस बहुत ही ज़्यादा ना अफोर्डेबल आई शेडो है, क्योंकि ये सिंगल सिंगल आई शेडोज हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड होते हैं। ये बहुत ही अच्छा शिमरी काइंड ऑफ लुक देता है गाइस ये, और ये ब्लेंडिंग में भी बहुत ही अच्छा है, और मतलब कि इसकी पिगमेंटेशन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अपना जो है ये पर्पल कलर का है, आप देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे इसको ब्लेंड कर ली हूँ। और अभी मैंने जो सेकंड शेड लिया है वो है ये कॉपर शेड है। इसका भी जो नाम वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा, तो आप एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद बीच में मैंने यहाँ पे कोई कट क्रीज वगैरह नहीं बनाया है, डायरेक्ट मैंने इसको अप्लाई कर लिया है अपनी फिंगर रिंग की हेल्प से। और अभी मैं फिर से वही पर्पल कलर का शेड लूँगी, और अपने जो एरिया है उसे, मतलब जहाँ मुझे पर्पल रखना है ज़्यादा, वहाँ पे मैंने इसको डार्क कर लिया है, इस तरीके से आप देख सकते हो। और इस तरीके का आई मेकअप ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे ग्लिटर यूज़ किया है, मेकअप रेवोल्यूशन का ग्लिटर है ये, काफ़ी क्रीमी ग्लिटर होता है, थोड़ा सा महंगा होता है यार, लेकिन अगर आप एक बार लेते हो ना, देन आपका ये सालों साल चलेगा। मेरा तो ये आई थिंक मुझे 2 साल हो गए ये लिए हुए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर मैंने लिया है स्टेक वर्की की ये जेल काजल, ये काफ़ी अच्छा काजल है गाइज, और इसकी पिगमेंट काफ़ी अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलता है, वाटर प्रूफ है, स्मॉच प्रूफ है, तो आप इसे जो है वाटर लाइन पे भी अप्लाई कर सकते हो। और मैं यहाँ पे आप देख ही रहे हो, लाइनर की तरह भी यूज, मतलब ये लाइनर ही है, एज आप वाटर लाइन पे भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो है अपना लाइनर अप्लाई कर लिया है, और अभी मैंने यहाँ पे फॉल्स आईलैशेस लगा ली है। हाईलाइटर के लिए मैंने फिर से लिया NYP का दूसरा शेड, और अपने आईब्रो बोन को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है, इस तरीके से आप देख सकते हो। और अब भी बारी है सीरम की, तो सबसे पहले मैं सीरम यहाँ पे लगाऊंगी। स्किन रेडियंस सीरम है ये, स्किन को बहुत अच्छे से रेडियंस, मतलब कि चमक लाता है आपकी स्किन में, आपके जो पोर्स वगैरह हो उसे अच्छे से मिनिमाइज करता है, आपके एक्ने वगैरह है तो उसको भी सही करता है ये, स्किन रिपेयर करता है बेसिकली ये सीरम। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है गुड वाइब की सैफ्रॉन नरिशिंग डे क्रीम, क्योंकि आजकल विंटर है, और विंटर में आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नरिशिंग की ज़रूरत है। और मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, सॉरी गाइज वो क्लिप मुझसे मिस हो गई है, मैंने टोनर यूज़ किया था गुड वाइब का हाइड्रेटिंग फेस टोनर, और इसके बाद मैंने ये क्रीम यूज़ किया है, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टेक क्वालिटी की जो है प्राइमर लिया है, ये प्राइमर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ये वाटर प्रूफ है, ब्लेंडिंग इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और ये सबसे अच्छा लाइट वेट है और सिलिकॉन बेस है, तो ऑयली स्किन वालों के लिए तो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है अपने फेस को बहुत ज़्यादा ग्लोई दिखाने के लिए, क्योंकि विंटर में ग्लोई दिखाना होता है, तो मैंने यहाँ पे लिया है पर्पल की डुअलिस्टिक ग्लोइंग हाइलाइटर, ये डुअल हाइलाइटर है, और इसको मैंने अप्लाई किया तो बहुत अच्छा सा ग्लो आता है गाइस ये। तो आप जब भी फाउंडेशन वगैरह लगाओ, ग्लोई लुक चाहिए, तो आप ऐसा स्टेप ज़रूर करो। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन की जो है क्या लिया यार, फाउंडेशन स्टिक, क्योंकि ये ड्राई स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए मैंने इसे यूज़ किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है, और
ये जो है मतलब अगर आपका प्राइमर अच्छा होगा ना, देन आपका जो फाउंडेशन, कोई भी फाउंडेशन आप लगा रहे हो तो काफ़ी देर तक स्टे करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का जो है लिया है कंसीलर, और इसका शेड वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। ये काफ़ी क्रीमी कंसीलर होता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये कंसीलर। अफोर्डेबल भी है, अफोर्डेबल के साथ साथ ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है। तो इस तरीके से मैंने अपने हाईलाइटेड एरिया को हाईलाइट कर लिया है, और आप इस तरीके का बेस बनाओगे ना तो काफ़ी फ्लॉलेस लगेगा। जो 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 स्टेप मैं बता रही हूँ, अगर आप ऐसा बेस बनाते हो तो ना आपका ना तो कभी केकी होगा और ना ही कभी पैचेस छोड़ेगा, मतलब कि बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। उसके बाद मैंने पर्पल के कॉम्पैक्ट से इसे सेट कर लिया है। पर्पल का कॉम्पैक्ट भी काफ़ी अफोर्डेबल और काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद आते हैं फिर से आई मेकअप पे, तो मैंने फिर से जो है पर्पल शेड लेकर अपने लोअर लैश लाइन पे इस तरीके से अप्लाई, सेम जो ऊपर लिड पे अप्लाई मतलब आई मेकअप पे करते हैं, वही लोअर लैश लाइन पे करना होता है बेसिकली। मैं ऐसा ही अपना आई मेकअप करती हूँ कंप्लीट। उसके बाद ही आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये कितना ज़्यादा पिगमेंटेड आई शेडो, आप देख सकते हो। उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे ग्लिटर लिया है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो ये इतना महंगा ग्लिटर, देन आप जो है वही वाला ले सकते हो, मतलब लूज ग्लिटर यूज कर सकते हो। वाटर लाइन पे मैंने पर्पल की लिप क्रॉन, पर्पल शेड है इसका, मैंने जो है लिया है। और अभी मस्कारे के लिए मैंने लिया है यहाँ पे पर्पल का मस्कारा, क्योंकि ये जेल बेस्ड मस्कारा होता है, वाटरप्रूफ तो आई थिंक है कि नहीं, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया है। उसके बाद ये काफ़ी अच्छा मस्कारा होता है, अफोर्डेबल के साथ साथ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आप देखते हो मैं अपनी वीडियोस में मोस्टली यूज़ ही करती हूँ। ग्लैम 21 का मैंने यहाँ पे पैलेट लिया है, और अपने चीक वगैरह को यहाँ पे मैं कंट्रोल कर रही हूँ, आप देख सकते हो। क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना कि कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी होता है आपके पूरे मेकअप में, वो आपके मेकअप में जान डालता है कंट्रोलिंग, तो इसलिए कंट्रोलिंग ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हो तो आप क्रीम कंट्रोल कर ना करके आप पाउडर कंट्रोल करिए, तो ये ग्लैम 21 का पैलेट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें हाइलाइटर है और ब्लश वगैरह सब कुछ है, कंट्रोल है। तो मैंने यहाँ पे ब्लश शेड पिक किया, बहुत ही पीची काइंड ऑफ जो कलर था ये पिंक पीची, तो उसी से मैंने जो है अपना ब्लश अप्लाई किया। और अब हाइलाइटर भी सेम पैलेट की हेल्प से अप्लाई करूँगी। और ये जो ब्रशेज़ है ये मैंने शीन से मंगाया था, आप लोग पूछते रहते हो ब्रशेज़ ब्रशेज़, तो ये मेरे शीन के ब्रशेज़ हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई कर लिया, आप देख सकते हो कि हाइलाइटर की कितनी अच्छी पिगमेंटेशन है। उसके बाद यहाँ पे पर्पल की मैंने जो है ये किट मंगाई थी, और इसमें 4 शेड आता है, और ये काफ़ी अफोर्डेबल है। काफ़ी अफोर्डेबल के साथ साथ ये कितनी ज़्यादा पिगमेंटेड आप देख सकते हो, मैंने 1 शेड इसमें से पिक किया है, जो है शेड वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिप क्रॉन लिया है पर्पल की, और ये काफ़ी वाटरप्रूफ है, मतलब वाटरप्रूफ मतलब बहुत अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग है इसकी, और पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इस लिप क्रॉन का, स्मूथ बहुत चलती है। मैंने SQ का यहाँ पे लिया है मेकअप सेटिंग स्प्रे, क्योंकि मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है, क्योंकि अफोर्डेबल के साथ साथ वो काफ़ी अच्छा उनका रिजल्ट है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप गाइस कि आप लोग को ये लुक अच्छा लग रहा हो, और अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब और कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू।